सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है रामप्रसाद बिस्मिल साहब की इस पंक्ति के साथ इस पंक्ति के जोश उमंग और उत्साह के साथ जय हिंद छात्रों मैं इशार अहमद कंपटीशन कम्युनिटी के इस क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं आशा करता हूं आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर और जोरों शोरों से कर रहे होंगे साथियों इस क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम को सुनते ही ये लगा होगा कि आखिर ये क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम है क्या तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए कुछ इस प्रकार इसे समझे आइए साथियों क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम कुछ इस प्रकार है कि यह पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन पर आधारित है ठीक है सामान्य अध्ययन किसका जीएस किसका चाहे वो इंडिया का हो या छत्तीसगढ़ का हो यहां दिखाई दे रहा है इंडिया का इंडिया का जीएस या छत्तीसगढ़ का जीएस ठीक है और साथ ही इसके सारे विषय के सारे टॉपिक आप लोग को हल कराए जाएंगे ठीक है इसे किस प्रकार किस प्रकार समझा जा सकता है यहाँ लिखाया हुआ देख रहे हैं आप सारे विषय के सारे टॉपिक पूर्ण कराए जाएंगे जैसे पारंपरिक रूप से इतिहास को हम पढ़ते हैं तो उसे तीन भागों में विभक्त कर देते हैं ठीक है पहला आपका प्राचीन भारत का इतिहास दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आपका आधुनिक भारत का इतिहास ठीक तो प्राचीन भारत के इतिहास में पहला टॉपिक लिया गया पाषाण काल ठीक है स्टोन एज लिया गया उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन फिर आपका ऋग्वैदिक ईरा ऋग्वैदिक काल तो वैसे प्रश्न आपको इस सत्र में देखने को मिलेंगे आशा करता हूं आप लोग को यह समझ में आया आया होगा और साथ ही याद रखना है साथियों जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ठीक है वो आपको उसमें मेंशन दिखेगा दिखाई देगा आपको कि उसमें सारा जो है आपका मार्क कर दिया गया है किस किस परीक्षा में कब कब ये पूछा गया है और कितनी बार ये रिपीट हुआ है ठीक है तो ये आपको देखने को मिलेगा यहां देख सकते हैं आप ठीक है सभी प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे क्या क्या होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे ठीक है उसके साथ याद रखिएगा मध्य प्रदेश झारखंड राजस्थान उत्तराखंड जहां जहां प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं वहां वहां के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे आशा करता हूं आप लोग को यह समझ में आया होगा ज्यादा समय ना लेते हुए पहला विषय स्टार्ट करते हैं आइए पहला विषय है हमारा भारत का भूगोल भारत का भूगोल पहला विषय है और उसका पहला टॉपिक है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का सामान्य परिचय यहां दिखाई दे रहा है आप लोग को ठीक है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का सामान्य परिचय ठीक है, है? इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं नीचे ठीक और साथियों साथ याद रखिएगा जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रश्न होंगे जो इसके सामान्य परिचय के जो प्रश्न होंगे वो नक्शे पे आधारित प्रश्न होंगे ठीक है तो उससे पहले हम नक्शा एक बार देख लें आइए यहां दिखाई दे रहा है आप लोग को भारत का नक्शा भारत का नक्शा और साथ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं ठीक है यहां लक्षद्वीप है यहां अंडमान है और बाकी राज्य कुछ इस प्रकार है ठीक तो इसे आप स्क्रीन भी ले सकते हैं और आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं ठीक तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ठीक आइए पहला प्रश्न है हमारा भारत के निम्नलिखित कौन से राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमाओं से मिलती है ठीक है तो ये प्रश्न हमेशा दोहराया जाता है हमेशा पूछा जाता है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि एम पी में एक बार पूछा गया है और आपका सहायक सम परीक्षक में पूछा गया है अभी अभी 2021 में व्यापम में और यहाँ पर आपका 2017 में भी में व्यापम में इसे पूछा गया है ठीक है तो ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसका प्रश्न का उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश याद रखिएगा साथियों आठ राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ अपनी सीमा का साझा करता है ठीक है तो हमें तो यहाँ प्रश्न के प्रश्न अनुसार प्रश्नानुसारे देखना है कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ कौन अपनी सीमा का साझा करता है तो उत्तर प्रदेश ही करता है तो आठ राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश और आपका एक देश के साथ जो कि नेपाल है और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नक्शे में अगर देखेंगे आप यहां तो देश की राजधानी दिल्ली के साथ अपनी सीमा का साझा करता है ठीक है आइए उत्तर प्रदेश को कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं ठीक है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है यहां उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है आपको ठीक है और ये उत्तर प्रदेश का नक्शा ठीक उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आपका लखनऊ है यहाँ की प्रेजेंट की वर्तमान की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है याद रखिएगा राज्य उसके राज्यपाल से प्रश्न पूछे जाते हैं आगे में प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे तो आशा करता हूँ समझ में आओ आगे बढ़ते हैं ठीक है उसके साथ याद रखना है यहाँ पॉइंट दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी प्रदेश में बागपत स्थित है स्थित है तो यहाँ कंफ्यूजन होगा पश्चिमी प्रदेश किसे कहा जाता है ठीक ये वाला तो पश्चिमी प्रदेश से आशा है यहाँ देख लेते हैं हम कुछ इस प्रकार से कि उत्तर प्रदेश को भौगोलिक स्थिति के अनुसार चार भागों में विभक्त किया गया है ठीक है चार भौगोलिक स्थितियों में इसे विभक्त किया गया है 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 जैसे आप यहां देख सकते हैं वाला वाला एरिया जो पश्चिमी प्रदेश कहलाता है। ये वाला कहलाता ठीक क्षेत्र अवध गाना सुने होंगे होली खेले रघुवीरा अवध में ठीक और ये वाला जो है पूर्वांचल का क्षेत्र कहलाता है पूर्वांचल की पहाड़ी सेवन सिस्टर वाले एरिया में है लेकिन पूर्वांचल का क्षेत्र बोलेगा तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में और यह वाला बुंदेलखंड का क्षेत्र ठीक तो उत्तर प्रदेश इस प्रकार से विभक्त है तो वैसे लिखा है यहाँ पास पॉइंट के उत्तर प्रदेश में बागपत स्थित है यहाँ पर स्थित है आपका यहाँ स्थित है बागपत बागपत में याद रखना है कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है पहली बात तो ठीक है एनसीआर के एरिया में आता है उसके साथ याद रखना है कि एम एस स्वामीनाथन द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966 के दौरान यहाँ हरित क्रांति प्रारंभ की थी यहाँ पॉइंट दिखाई दे रहा है आपका ठीक साथ में गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ठीक है मुगल सराय स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन तो इस प्रकार से तथ्य हम याद कर सकते हैं और अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका अवध वाले क्षेत्र में श्रावस्ती स्थित है इस तरफ ठीक है तो अगर बौद्ध काल आप पढ़े होंगे या आगे में पढ़ेंगे तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी श्रावस्ती में ठीक उसके साथ यहाँ याद रखना है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में यहां स्थित है कुशीनगर ठीक है तो कुशीनगर में गौतम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कुछ कुछ पॉइंट्स हम देखते हुए चलेंगे मैप के साथ ताकि ये जब हम इतिहास के प्रश्न करेंगे तो उसमें काम आएंगे ठीक है तो कुछ इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं है ना तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं यहां उत्तर प्रदेश के साथ लगे जितने भी राज्य हैं उनकी जानकारी है जैसे पहला राज्य है उत्तराखंड उत्तराखंड दिख रहा है यहाँ पास राजधानी इसकी देहरादून है कब होती है तो शीतकालीन गैर गैरसेंड होती है ग्रीष्मकालीन दिखाई दे रहा है आपको ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी इसे पढ़ा जा सकता है ठीक जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है ठीक उसके बाद हिमाचल प्रदेश यहाँ दिखाई दे रहा है ठीक है ये हो गया आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार इसके साथ सीमा लगाता है अभी बताया मैंने आपको आठ राज्यों के साथ सीमा लगाता है ठीक है तो आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कब होती है ग्रीष्मकालीन और धर्मशाला कब होती है आपका शीतकालीन ठीक है तो इस प्रकार से इसकी राजधानी याद रखना है अगर क्वेश्चन पूछ सकता है पूछ दिया तो ठीक राज्यपाल है यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अलिकर याद रखना है वर्तमान के और राज्यपाल जो है वो परिवर्तित होते रहते हैं समय दर समय ठीक है तो याद रखना है कि राज्यपाल से भी अपडेट रहना है मैंने लिस्ट रखी हुई है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आइए हरियाणा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है यह भी समझना है दिमाग में सेट करते हुए चलना है ठीक है ये यह यहाँ हरियाणा यहाँ पर से चंडीगढ़ ठीक तो आपका यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय कौन है यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ठीक मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी है मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल है ठीक आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करता पहला दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करता तो याद रखिएगा तेलंगाना चार राज्यों के साथ सीमा का साझा करता है जो कुछ इस प्रकार है आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्नाटक और महाराष्ट्र यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन तमिलनाडु के साथ जो है आपका तेलंगाना अपनी सीमा का साझा नहीं करता ठीक है आइए नक्शे में कुछ इस प्रकार देखें इसे ठीक है यहाँ दिखाई दे रहा है आपका तेलंगाना एक भू राज्य है ठीक है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ठीक है तमिल साई सुंदराजन जो है यहाँ के राज्यपाल है ठीक है तो हमें राज्यपाल भी याद करते जाना है और कुछ कुछ जो तथ्य हैं उसे भी याद करते जाना है ठीक है तो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना लेकिन याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 के बाद भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ठीक है तो याद रखना है कब से 26 जनवरी दो के बाद से ठीक है अब देखिए तेलंगाना का तमिल तमिलभाषियों की भूमि से है और तेलंगाना अपने आप में एक लैंडलॉर्क या भू अविष्ठित राज्य है ठीक यहाँ तेलंगाना आपको दिखाई दे रहा है आगे बढ़ते हैं उसके साथ किसके साथ सीमा का साझा नहीं करता तो तमिलनाडु के साथ नहीं करता तमिलनाडु के साथ सीमा का साझा नहीं करता तो याद रखिएगा तमिलनाडु के बारे में जानना जरूरी है तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई यहाँ दिखाई दे रहा है आपको आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल है ठीक तमिलनाडु से कुछ तथ्य याद रख सकते हैं कि यहाँ पर स्थित है आपका तमिलनाडु के नीचे अवाडी 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 यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है और साथ ही इन्नौर बंदरगाह ठीक है यहाँ नीचे में आपको इन्नौर बंदरगाह मिलेगा इन्नौर बंदरगाह जो है आपका निगम आधारित भारत का प्रथम बंदरगाह है ठीक है तो एकदम सुनते साथ ऐसा लगा होगा कि निगम आधारित क्या होता है सर कुछ याद नहीं रखना है याद रखना है सिर्फ प्राइवेट बंदरगाह भारत का पहला कौन सा है तो इन्नौर बंदरगाह ठीक है उसके बाद ये हो गया उसके बाद तमिलनाडु के उत्तर में स्थित है देखिए यहाँ लिखाया हुआ है उत्तर में स्थित कांचीपुरम जो कि पल्लव वंश की, की राजधानी है ठीक है यहाँ स्थित है कांचीपुरम ठीक है दक्षिण में स्थित है आपका मदुरई मदुरई किसकी राजधानी है यहाँ दिखा दिखाई दे रहा है मदुरई मीनाक्षी मंदिर याद रखना है मदुरई से ठीक है जो कि पांडवंश की, की राजधानी है ठीक और तमिलनाडु के पश्चिम में स्थित है तंजौर जो कि चोलों की राजधानी है ठीक है जब हम संगम वंश पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें तथ्य को याद रखते हुए चलना है ताकि प्रश्न करते समय हमें आसानी हो ठीक है तो इस सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपका जीएस कंप्लीट होते जाएगा और उसके प्रश्न भी कंप्लीट होते जाएंगे ठीक है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं इसके साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा का साझा नहीं करते हैं वो भी राज्य कुछ राज्य कुछ इस प्रकार से है यहां दिख रहा है आपको मुंबई सॉरी आपका महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के राज्यपाल है ठीक उसके साथ यहाँ आपका कर्नाटक दिख रहा है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको थावरचंद गहलोत यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल हैं ठीक यहाँ दिखाई दे रहा है आपका <coughs> आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश की राजधानी आपका अमरावती ठीक है आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम यहाँ दिखाई देगा ठीक है डचों के समय में याद रख ऐतिहासिक दृष्टिकोण से याद रख सकते हैं ठीक है तो यहाँ के आपके राज्यपाल कौन है हरिचंदन सॉरी विश्व विश्व विश्वभूषण हरिचंदन ठीक तो ये ऐसे इस प्रकार से याद रखना है आगे अग, अगले क्वेश्चन में आते हैं ये। ज़्यादा समय नहीं लेते प्रश्न सत्र है प्रश्न सत्र को प्रश्न सत्र के अनुसार करते जाएंगे और कुछ कुछ तथ्य हम याद रखते जाएंगे आइए प्रश्न है जापान को पारंपरिक रूप से सूर्योदय की भूमि के तौर पर जाना जाता है भारत के किस स्थान को इसी सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है याद रखिएगा पृथ्वी जो है पूर्व की ओर घूमती है और भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है अरुणाचल प्रदेश में ठीक है सबसे आखिरी में कहाँ होगा गुजरात में होगा तो गुजरात में कहाँ सरक्री गौर माता वह हम स्थिति एवं विस्तार के प्रश्न को जब करेंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगा तो आइए कुछ इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश को समझते हैं यह रहा अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर यहाँ दिखाई दे रहा है बी मिश्रा यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल है ठीक अरुणाचल प्रदेश जो है वो मुख्यतः आपका वनों से आच्छादित है वन वन का अगर वहाँ स्थिति देखें तो बहुत ही सुदृढ़ है इस प्रकार याद रख सकते हैं बाकी बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह ये सारी चीजें आगे होते जाएगी नेशनल पार्क वाला जब चैप्टर आएगा तो ठीक है उसके साथ नागालैंड यहाँ दिख रहा है आपको नागालैंड नक्शे में ठीक यहाँ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ नागालैंड नागालैंड की राजधानी कोहिमा है देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ठीक जगदीश मुखी यहाँ दिखाई दे रहा है कोहिमा जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है ठीक आगे बढ़ते हैं आइए इस प्रकार यहाँ दिख रहा है आपको मणिपुर मणिपुर की राजधानी है इम्फाल यहाँ दिखाई दे रहा है ठीक ला गणेशन यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल है ठीक है मिजोरम दिख रहा है यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम ये त्रिपुरा हो गया ये मिजोरम हो गया मिजोरम वाला क्षेत्र भारत का ऐसा राज्य जहाँ पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर का ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है त्रिपुरा और मिजोरम ठीक है वो हम पढ़ेंगे कर्क रेखा वाला चैप्टर तो कुछ कुछ इस प्रकार याद रखना है आइजोल यहाँ की राजधानी है और हरिबाबू कंभम पति यहाँ के वर्तमान के राज्यपाल है ठीक है और त्रिपुरा से याद रखना है भारत का दूसरा जैविक राज्य है पहला जैविक राज्य कौन सा है सिक्किम है आपका और जैविक शहर बोला जाएगा तो अगरतला याद रखिएगा कहां है आपका त्रिपुरा की राजधानी अगरतला आगे पढ़ते हैं देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है याद रखना सूती वस्त्र के उद्योग के लिए फेमस अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ठीक है लेकिन याद रखिएगा साथियों उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाएगा भारत का उत्तर का मैनचेस्टर अगर कहा जाएगा तो कानपुर और दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाएगा तो आपका कोयंबटूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है ठीक है तो इस प्रकार आप इसको नोट कर सकते हैं आगे आइए बढ़िया और इसमें देख लेते हैं गुजरात गुजरात की राजधानी गांधीनगर ठीक और आचार्य देवव्रत यहाँ के आपके राज्यपाल है ठीक है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का दो प्रमुख स्थल धौलावीरा और आपका लोथल लोथल जो कि पोर्ट था एक बंदरगाह था वो गुजरात में स्थित थी ठीक थी। तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से भारत के राज्य के जो शहर हैं उसके उपनाम कुछ इस प्रकार से दिए हुए आप स्क्रीन ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है ठीक है ये सी जी व्यापम में दो हज़ार सत्रह में पूछा हुआ है तो याद रखिएगा बेंगलुरु जो है सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है बाकी भुवनेश्वर है गांधीनगर है और चंडीनगर सॉरी चंडीगढ़ है ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं ठीक छठवा क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है तो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है याद रखिएगा सीधा सीधा पूछ रहा है सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का और मैं साथ में बताता हूँ सबसे छोटा जिला कौन सा है ठीक तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा जिला कहा जाएगा तो आपका कच्छ है ठीक है तो उस प्रकार से प्रश्न पूछा है बिहार पी में पी में ठीक आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से देखा जाए तो आपका भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है कच्छ है जो कि गुजरात में स्थित है और माहे पुडुचेरी में स्थित है वो आपका भारत का सबसे छोटा जिला है सात जिले जो है भारत में कुल हैं लेकिन ये बढ़ते घटते रहते हैं तो इसे याद रखने योग्य नहीं है लेकिन पर इसे एक प्रकार याद किया जा सकता है पुडुचेरी को कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं ये रहा आपका तमिलनाडु एरिया पुडुचेरी के दो जिले हैं यहाँ पास पुडुचेरी और यहाँ पास है आपका करायकल ठीक ठीक और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में है आपका यनम ठीक और केरल में स्थित है आपका माहे सबसे छोटा जिला ठीक है तो अगर पूछा जाता है प्रश्न कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन राज्यों में बटा हुआ तो याद रखिएगा आपका पुडुचेरी आगे बढ़ते हैं आइए अगला प्रश्न है हमारा भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का दो दशमलव चार प्रतिशत है, है बिल्कुल 2011 की जनगणना के अनुसार सही है परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का सोलह प्रतिशत जनसंख्या है सत्रह प्रतिशत जनसंख्या है अट्ठारह प्रतिशत जनसंख्या है अट्ठाईस प्रतिशत जनसंख्या प्रश्न का उत्तर जो है कुछ इस प्रकार लिया गया है कि भारत सत्रह प्रतिशत जनसंख्या जो है आपका इसे प्रश्न का उत्तर लिया गया है दोहराया भी जा सकता है लेकिन याद रखिएगा साथियों ग्यारह की जनगणना के अनुसार दो की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की सत्रह दशमलव पांच प्रतिशत जनसंख्या रहती है ठीक है तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल भूटान और चीन तीन देशों के से मिलती है तो याद रखिएगा सिक्किम जो है वो आपका नेपाल भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा का साझा करता है तीन देशों के साथ मिलता है ठीक आइए आगे, आगे बढ़ते हैं देख सकते हैं यहाँ पास है आपका नेपाल यहाँ पास है भूटान और यहाँ पास आपका चीन ठीक है तो तीन देशों के साथ मिलता है यहाँ रहा सिक्किम सिक्किम की राजधानी गंगटोक है गंगा प्रसाद चौरसिया यहाँ के राज्यपाल हैं ठीक भारत के प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है और अगरतला मैंने आपको बताया था भारत का ऐसा शहर कौन सा है जो जैविक जैविक शहर है आपका अगरतला त्रिपुरा की राजधानी ठीक है देखिए उसके साथ ये याद रखा जा सकता है सिक्किम को अगर देखें तो दृष्टिकोण से कि भारत का बाईसवाँ राज्य बनाए ठीक है पहले पैंतीसवाँ संविधान संशोधन के अंतर्गत पैंतीसवाँ संविधान संशोधन संशोधन के अंतर्गत सिक्किम जो है वो आपका भारत का सह राज्य बना पहले फिर छत्तीसवाँ संविधान संशोधन जब हुआ तो भारत का बाईसवाँ राज्य बना 16 मई 1975 के अनुसार ठीक तो इस प्रकार से याद रखा जा सकता है आइए आगे बढ़े फिर उसके बाद भारत के क्वेश्चन है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है तो याद रखना है इसको रखा गया है इसलिए कि भारत के क्षेत्रफल के अनुसार पांच राज्य तो कम से कम परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें याद रखना अनिवार्य है ठीक है तो पहला कौन सा है हमारा पहला राज्य अगर देखें तो ठीक पहला राज्य है हमारा राजस्थान दूसरा है आपका मध्य प्रदेश तीसरा है आपका महाराष्ट्र क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश पांचवा कौन सा है आपका गुजरात ठीक तीसरा कर्नाट छठवा कर्नाटक ले सकते हैं आंध्र प्रदेश है फिर फिर उड़ीसा है फिर छत्तीसगढ़ है कुछ इस प्रकार से याद रखा जा सकता लेकिन पाँच याद रखना अनिवार्य है हमें ठीक तो क्या है आपका इसका आंसर क्या होगा चौथा उत्तर प्रदेश का स्थान ठीक आगे बढ़ते हैं आइए प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है अभी आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया था भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ठीक है उसके साथ लिस्टिंग दी थी तो उसी प्रकार ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्न है हमारा भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है ठीक है सबसे दक्षिणी राज्य कहा तमिलनाडु को व्याख्या अभी थोड़ी देर पहले की थी मैंने ठीक है तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है ठीक है व्याख्या आपको इससे पहले बताई गई थी आगे बढ़ते हैं रेट होल खनन रेट होल माइनिंग का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है तो याद रखिएगा मेघालय में ये कोयला के खनन के कोयला की खनन की प्रक्रिया है जिसको वहां के नागरिक करते हैं उसी प्रकार याद रखना है बस रेट होल खनन कहाँ होता है मेघालय में होता है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है त्रिपुरा कितनी तरफ से बांग्लादेश के साथ की सीमा से घिरा हुआ है ठीक है तो त्रिपुरा जो है वो तीन तरफ से ये होगा प्रश्न का उत्तर तीन तरफ से जो है आपका बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है ठीक आगे आइए बढ़े आगे बढ़ते हैं आइए देखिए यहाँ दिख रहा है आपको त्रिपुरा ठीक ये एक तरफ से हो गया ये दो तरफ से हो गया और ये तीन तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है ठीक तो यहाँ देखेंगे तो अभी मेघालय की व्याख्या की कि मेघालय की व्याख्या की थी मैंने थोड़ी देर पहले रेड होल खनन के नाम से तो शिलोंग इसकी राजधानी है सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल है और क्या जान सकते हैं ये देखिए ये तथ्य दिया हुआ है इसमें मेंशन कर दिया गया है ठीक उसके साथ क्या है त्रिपुरा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल है ठीक है उसके साथ साथ याद रखना है त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से गिरा हुआ है और पूर्वोत्तर राज्य के दो ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है तो त्रिपुरा और मिजोरम कर्क रेखा भी अभी पढ़ेंगे जब स्थिति विस्तार में तो उसको देखेंगे ठीक आगे आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौदह भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा शीत मरुस्थल है ठीक है तो याद रखना है लद्दाख सीतमरुस्थल ठीक आइए लद्दाख और जम्मू कश्मीर को कुछ इस प्रकार देखें तो आइए ये रहा आपका जम्मू कश्मीर उत्तर में ठीक है यहां दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर तो ये दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर ठीक तो याद रखना है कि लद्दाख की राजधानी ले है आर के माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं और साथ ही याद रखना है जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शीत ऋतु में होती है और आपका श्रीनगर ग्रीष्म ऋतु में होती है दिखाई दे रहा है आप लोग को ठीक यहाँ के वर्तमान के मनोज सिन्हा जो है यहाँ के उपराज्यपाल है ठीक है तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ये वाला पीओके वाला एरिया कहलाता है ठीक और ये वाला आपका अक्साई चीन का भाग कुछ इस प्रकार इसे याद रखा जा सकता है आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर थार मरुभूमि कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा राजस्थान में जो है आपका थार मरुभूमि मरुभूमि है ठीक भौगोलिक विभाजन देखेंगे जब हम भूगर्भिक संरचना तो ये प्रश्न आपको इससे बेहतर दिखाई देगा ठीक है तो याद रखना थार मरुभूमि कहाँ है राजस्थान में तो राजस्थान को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है ये रहा राजस्थान ठीक राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ के कलराज मिश्र जो है यहाँ के राज्यपाल है ठीक है अगर देखा जाए राजस्थान को देखा जाए अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर आपका काली बंगाल कालीबंगाल जो है आपका कहाँ स्थित था राजस्थान में स्थित था राजाओं की भूमि या रजवाड़ों की भूमि कहा जाता है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं कुछ इस प्रकार देखा जाए अगला प्रश्न कि 2022 में घोषित विधानसभा चुनाव में किस राज्य की सीटों की संख्या सबसे कम है देखिए ये प्रश्न जो है आपका राज्यों का सामान्य परिचय पर ही आधारित है तो इस प्रकार से हमें अपडेट रहना भी जरूरी है जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं तो याद रखिएगा चुनाव से रिलेटेड ऐसे प्रश्न दोहराए जा सकते हैं साथ इस तथ्य को लेके हमें चलना है साथ में ठीक है तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपका कि पंजाब में एक सीट है मणिपुर में साठ सीट है सत्तर सीट उत्तराखंड में है और चालीस सीट आपका गोवा में है तो गोवा इसका आंसर होगा ठीक है कुछ इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं अगर याद होगा तो ठीक और अगर देखा जाए सबसे ज्यादा अगर विधानसभा सीट 403 सीट कहाँ है यूपी में है ठीक है और 30 सीट जो है आपका पुडुचेरी में ठीक तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं ठीक है अभी के परीक्षा जितनी होने वाली उसके दृष्टिकोण से याद रख सकते हैं सत्रह नंबर क्वेश्चन है 2021 में इस राज्य के रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल बने याद रखिएगा झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं ठीक है तो राज्य एवं राज्यपाल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि राज्यपाल याद रखना हमें अनिवार्य है ठीक है राज्यों के तो पेपर न्यूज़ वगैरह से अपडेट रहा करिए ठीक आइए आगे बढ़ते हैं ठीक यहाँ पास आपको दिख रहा है स्क्रीन ले सकते हैं आप इसका राज्य एवं उसके प्रशासक और राज्यपाल दिखेंगे आपको ठीक इसे भी स्क्रीन ले सकते हैं ठीक है अगला प्रश्न है हमको हमारा राजधानी से रिलेटेड ठीक है तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि असम की राजधानी असम की राजधानी अगर पता होगा तो याद रखिएगा दिसपुर है ठीक है यहाँ दिखाई दे रहा है ठीक तो एक एक थ्री दिखाई दे रहा है तो यहाँ हम एलिमिनेट कर सकते हैं सीधा यही इसका आंसर होगा देखो मिला लेते हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा ठीक है टू होगा सही है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर फोर है सही है मेघालय की राजधानी सिलोंग सही है तो इस प्रकार से प्रश्न को एलिमिनेट भी करना है हमें साथ में ये भी सीखना है हमें ठीक है यहाँ दिखाई दे रहा है सीधा सीधा कि असम की राजधानी दिसपुर तो यहाँ दिखाई दे रहा है ती, तीसरा नंबर एक तीन तो बाकी में दिखाई नहीं दे रहा है तो यही इसका आंसर होगा ऐसे भी प्रश्न हमको देखते हुए आगे बढ़ना है ठीक आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए ओहो हो ठीक ठीक अभी बताया मैंने पांच राज्य तो पता ही होने चाहिए तो पहला कौन सा है राजस्थान ठीक है तो राजस्थान पहला होगा ही ठीक यहाँ दिखाई दे रहा है दो में ठीक है ये और ये उसके बाद कौन सा होगा आपका मध्य प्रदेश है फिर महाराष्ट्र है तो दो के बाद तीन होगा दिखाई किस में दे रहा है ये एलिमिनेट करें ये इसका आंसर होगा ठीक देख लीजिए मिला लीजिए तीन होगा महाराष्ट्र और आपका चौथा हो कर्नाटक और, और पाँचवा आपका सॉरी दूसरा नंबर आपका लास्ट वाला जो होगा वो आपका तमिलनाडु ठीक है आगे बढ़ते हैं ये तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना भी सीखना है ठीक है एलिमिनेट कर 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 करके भी ठीक आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा ठीक आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर बीस है भारत के भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो गोवा है याद रखना है सीधा आंख बंद करके इसको लगाना है आंसर गोवा सबसे छोटा राज्य ठीक है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं प्रश्न है अब यहाँ देखिए गोवा यहाँ दिखाई दे रहा है गोवा सबसे छोटा राज्य ठीक है पहले 1961 के पहले ये पुर्तगालियों के अधीन था लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है उन्नीस के पहले पुर्तगालियों के अधीन था 19 दिसंबर 1961 में भारत का पहला सॉरी भारत का इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया फिर 30 मई उन्नीस में मतलब 87 सेवन में आपको इसका भारत का राज्य बनाया गया तो इस प्रकार से याद रखना है कि प्रश्न अगर पूछ देता है कि गोवा को शासित प्रदेश कब बनाया गया था ठीक है तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर गोवा तो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश कैसे बन गया तो याद रखिएगा उन्नीस में इसे पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा और ये तथ्य आपको समझ में आएगा कि आगे बढ़ते हैं आइए प्रश्न नंबर ट्वेंटी वन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सबसे पहले तो पता होना चाहिए ठीक है राष्ट्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मैं आपको नक्शे में लेके चलता हूँ चलिए ये रहा नक्शा ठीक ये रहा दिल्ली जो कि मैं आपको बताया था तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा राजस्थान में होगा हरियाणा में होगा उत्तराखंड में नहीं होगा तो पंजाब में नहीं होगा दिखाई दे रहा है ना आपको पंजाब में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं होगा राजस्थान में अलवर वगैरह क्षेत्र जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते ठीक है तो कुछ इस प्रकार से इसे हल किया जा सकता है ये रहा ठीक है तो पंजाब का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है ठीक है हरियाणा आता है राजस्थान आता है और उत्तर प्रदेश भी आता है बागपत बताया था पहले प्रश्न में आपको ठीक आइए आगे बढ़ते हैं ये रहा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है ठीक तो राजधानी नई दिल्ली है और अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल है ठीक है इसे याद रखने योग्य बातें हैं ठीक उसके बाद प्रश्न नंबर बाईस है इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसमें स्थित है तो याद रखिएगा ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है तो इसका आंसर होगा कहाँ है ये ग्रेट निकोबार ठीक है हमेशा याद रखना है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये कुछ इस प्रकार से अंडमान निकोबार का नक्शा है आप देख सकते हैं समझ सकते हैं और यहाँ के प्रशासक याद रख सकते हैं ठीक है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसे आराम से पढ़ सकते हैं आइए आगे बढ़े प्रश्न नंबर ट्वेंटी थ्री है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ठीक है तो याद रखिएगा लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आंसर नंबर सी होगा इसका ठीक है आइए लक्षद्वीप के बारे में भी जानकारी अगले पृष्ठ में आपको दी गई है ठीक है देखिए यहाँ लक्षद्वीप के बारे में इसकी राजधानी कहावर आती है प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं प्रशासक और जो उपराज्यपाल में कन्फ्यूज नहीं होना ठीक है तो आपका छत्तीस द्वीपों से बना हुआ है कोरल रीफ्स होते हैं यहाँ मतलब कोरल रीफ से बना हुआ है ये ठीक है मुंगा द्वीप कहा जाता है जिसे ठीक आइए आगे बढ़ते प्रवाल भित्ती भी कहा जाता है तो ट्वेंटी नम, ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन है हमारा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाने वाला है तो हम मैं अभी बताया था आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य राजस्थान दूसरा मध्य प्रदेश तीसरा महाराष्ट्र तो क्या बोला क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान तो महाराष्ट्र इसका आंसर ही होगा ठीक है और जनसंख्या की दृष्टि से ये सेकंड नंबर है पहला कौन सा है आपका तो फर्स्ट होगा आपका यूपी उत्तर प्रदेश ठीक है सबसे ज्यादा विधानसभा सीट भी बताया था इसमें ठीक है तो इन तथ्यों को याद रखना है ठीक आगे बढ़ते हैं है ये अभी अभी के प्रश्न मंत्रालय भर्ती में व्यापम सीजी व्यापम पूछा है इसको तो लक्षद्वीप है आपका मालद्वीप समूह का हिस्सा प्रवाल द्वीप यस ये आंसर होगा इसका प्रवाल द्वीप है ठीक है तो इस प्रकार से यह प्रश्न सत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है और साथ ही आपके लिए एक लास्ट में क्वेश्चन रखा गया है जिसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा मैंने आपको इस बीच में ये क्वेश्चन करवाया है तो सोच समझ के तरकी बुद्धि के साथ इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आइए ये रहा प्रश्न क्या है प्रश्न क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य कौन से हैं इस प्रकार आपके ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं ठीक है तो इस प्रकार ये सत्र यहाँ समाप्त होता है आशा करता हूँ आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर और जोरों शोरों से करेंगे ठीक है तो ज़्यादा समय ना लेते हुए धन्यवाद जय हिंद